तुम ऐसा तो, और तुम लोग किस बेसिस पे जज करने लगते हो प्लेयर्स को कि भाई प्लेयर एलिजिबल नहीं है इस लाइनअप में खेलने के लिए या फिर प्लेयर का गन पावर गन पावर क्या होता है भाई जरा मुझे डिफाइन करना गन पावर क्या होता है तुम्हारे हिसाब से गन पावर क्या होता है जरा मुझे चैट लिखते बताओ जितने चैट में सर पोछा हुआ है वॉट इज गन पावर भाई हम भी देखे यार रहे जो आप लोग किस हिसाब से जज करते हो किसी को तो भाई मेरे को भी समझा भी भाई गन पावर क्या होता है मैं देखो मैं पूछ रहा हूँ गन पावर इंडिविजुअल मैं तुमको सिंपल एक प्लेयर का गन पावर क्या होता है जब इंडिविजुअल हम पूछते हैं कि इस प्लेयर का गन पावर बहुत अच्छा है तो मैं बोल रहा है फोरी फोर गन पावर फोरी फोर गन पावर क्या होता है भाई एक एक सिंगल प्लेयर है एक्स वाई जेड प्लेयर चलो पकड़ लो प्लेयर नंबर वन उसका तुम गन पावर कैसे बताओगे कि भाई सा गन पावर बहुत अच्छा टीम में बताओ मैं तुमको पूछा तुम बोल दिया कि भाई गेम सेंस फिर तुम बोल दिए फोरी फोर देखता हूँ ना मैं? वन वन सा गन पावर है पहली बात आपको पता है टीयर वन में रूल रहता है कि हमें वन वन नहीं लेना होता है किसी भी प्लेयर का वन वन नहीं लेना होता है वन वी वन को वन वी टू बनाने का स्किल होना चाहिए वन वी वन एकदम देहाती प्लेयर लेते हैं जिनको अपने ईगो को सेटिस्फाई करना होता है अपने एम पे एक अच्छी टी एर वन टीम वन वी वन कभी नहीं लेगी वो हर टाइम टू वी वन बनाएगी फाइट को तो वन वी वन तो लेना नहीं होता पहली बात ये तो तुम लोग नहीं पता कौन दिमाग में डाल दिया वन वी वन वन वी वन को टू वी वन बनाने की स्किल होनी चाहिए ठीक है आप चलो सही टाइम है फायर लेना हाँ ये भी एक पार्ट है गन पावर का गन पावर इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस भाई क्या बोल रहे हो भाई आप